हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ इंडिया हेलो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ इंडिया में न्यूली लॉन्च हुए मार्केट प्लेस शॉपी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आपने यूट्यूब और फेसबुक में शॉपी के जो कैंपेन है वो ज़रूर देखे होंगे। एड कैंपेन शॉपी रन कर रहा है और कई दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि शॉपी मार्केट प्लेस कैसा है इंडियन सेलर के लिए सेल करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा शॉपी हमें एक सेलर को क्या क्या फीचर अभी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही ये बात करेंगे कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और मैं भी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं शॉपी पे, तो आपके सामने ही करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी आपके साथ बात करूंगा कि शॉपी पे सेल करने से पहले आपको क्या क्या मिस्टेक करने से बचना है और पहले ही यहाँ पर आपको रेडी रहना है इस मिस्टेक को ना करके, ताकि आपका यहाँ पर लॉस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शॉपी सिंगापुर की कंपनी है। 2015 में शॉपी ने सिंगापुर में अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया था और आज बहुत सारे अमेरिका जैसे कंट्री में भी ये अपनी जो वेबसाइट है वो चला रही है। साथ ही इंडिया में सितंबर 2021 में इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में, और अब इनके एड कैंपेन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। तो आप एज अ सेलर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बात करें क्या क्या फीचर्स ये सेलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अभी 0% कमीशन पे यहाँ पर सेल करने को मिलेगा। यानी आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो आपसे कुछ भी कमीशन यहाँ नहीं लिया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको फ्री डिलीवरी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्री कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया आपके जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो फ्री में कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 100% पेमेंट का आपको मिलता है इंश्योरेंस कि आपको टाइमली पेमेंट मिल जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ पेमेंट को लेकर। तो ये सब कुछ इन्होंने वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। जैसा कि मीशो हमसे 0% कमीशन लेता है, फ्री डिलीवरी देता है, साथ ही आपको पेमेंट टाइमली देता है, तो ये सब कुछ फीचर यहाँ पर शॉपी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों, बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं यहाँ पर आपका ओनली जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तीन डॉक्यूमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और बैंक अकाउंट चाहिए ताकि आप पेमेंट ले सको। तो सेविंग या करंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों में आप कोई भी बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने फीचर्स की बात कर ली, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बात कर लिया और कंपनी के बारे में जान लिया। बट दोस्तों, रुकिए, रुको, जरा सब्र करो, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। दोस्तों, अब जैसा गलती आप मीशो पे बहुत से सेलर ने किया है कि अभी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उनके आरटीओ अटके हुए हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। कई लोगों के पेमेंट का तो चलिए क्लियर हो जाता है, वो आज नहीं तो कल आ जाता है। बट कई सेलर्स के क्या होता है कि आरटीओ नहीं मिल पाते हैं, उनके प्रोडक्ट लॉस में चले जाते हैं। तो वो गलती आपको शॉपी पे नहीं करनी है, क्योंकि शॉपी देखिए अभी न्यूली लॉन्च है। तो आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, इसमें सेलिंग भी कीजिए, बट कुछ सेल जब आपको आने लगे तो आप रुक जाइए थोड़ा सा, और देखिए कि वो प्रोडक्ट जब कस्टमर तक शिप होता है तो रिटर्न परसेंटेज क्या आ रहा है अभी शॉपी पे, साथ ही उसका पेमेंट आपको सही टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, आरटीओ हुआ है, तो आप तक वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ आपको पहले देखना है। कुछ सेल करके रुक जाइए, उसका सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सेलिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अभी तक मैंने भी शॉपी पे सेलिंग स्टार्ट नहीं की है, आज मैं आपके सामने ही रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको शॉपी पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आगे शॉपी के और भी वीडियोज में लाऊंगा प्रोडक्ट ऐड करने के, साथ ही और भी फीचर्स वाले। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना है तो मैं अभी आपके सामने ही अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हियर, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। तो आपको सब कुछ देख के चलना है, क्योंकि न्यू मार्केट प्लेस है, पेमेंट कैसा है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, और रिटर्न्स वगैरह टाइमली मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि मीशो में बहुत कंप्लेन आता है कि हमारा जो रिटर्न है अब वो हमें मिलता ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर साइन अप में सबसे पहले तो हमें मोबाइल नंबर मांग रहा है कि हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो ये हो गया, अब हम आ गए नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो इसको स्लाइड करके यहाँ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके बीच में आना पड़ेगा। तो ये वेरीफाई हो गया, अब हमारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ इंटर करना है। तो गाइज, अभी ओटीपी इंटर करने के बाद हमें वेरीफाई करना है, एंड सेट योर पासवर्ड बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, देन साइन अप आपको करना है। और साइन अप करने के बाद देखिए, हमारा सेलर सेंटर जो है वो शायद बन गया है। साइन अप सक्सेसफुली, गो टू सेलर सेंटर। तो सेलर सेंटर पे हम ऑटो रिडायरेक्ट हो गए हैं।
और यहाँ पर अब हमें दोस्तों यहाँ पे साइन अप से अभी देखिए कहाँ रिडायरेक्ट करके लिए जाता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ। यह तो देखिए ये हमारा शायद सर्वर सेंटर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जीएसटी नंबर तो नहीं मांगा है, तो अभी ऑटो रिफ्रेश फिर से ले रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें वापस से रजिस्ट्रेशन पेज पे ले आया है, पहले तो हमें डैशबोर्ड दिखाया, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पे ले आया है और यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू सॉप्सी गेट स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले ही हमें जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी नंबर देन पैन कार्ड देन बिजनेस नेम, ये मुझे लगता है ऑटोफिल होगा। जैसे ही मैं जीएसटी नंबर डालूंगा शायद ऑटोफिल होगा, तो मैं चलिए जीएसटी नंबर यहाँ फिल करता हूँ। सो अभी मैंने जीएसटी नंबर इंटर कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला आपका वेरीफाई किया, ये ऑटो सारा डिटेल ऑटो फिल ले लिए। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है सेट एज पिकअप एड्रेस आपका यही रहेगा, तो मैं बोलता हूँ हाँ सेट पिकअप एड्रेस यही रहेगा। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉप नेम का ऑप्शन देता है कि आपको शॉप नेम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ शॉप नेम। ये मैंने शॉप नेम रखा। अब आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, तो ईमेल एड्रेस देने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, तो साइन करके अपलोड करना पड़ेगा आपको। सो फ्रेंड्स सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चूज करना है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से हेयर किया है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं सोशल मीडिया एड, मैं दे देता हूँ। सो अब यहाँ पर आपको एग्री करना है एंड यहाँ पर सबमिट करना है। सो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है एंड गो टू होम पेज हमें ऑटोमेट रिडायरेक्ट सेट कर देगा ये। सो अब हम ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं बुक सेम डे ऑर्डर पिकअप। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है सेलर सेंटर है वो आ गया है, तो ये हमारा सेलर सेंटर है और